हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका एनके और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल YMW सॉल्यूशन पर। दोस्तों, क्या आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई डीलरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप कोई पॉपुलर इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनी का डीलरशिप लेने के तलाश में हैं? तो मैं आपको बता दूं, आप किया मोटर का डीलरशिप लेकर बिजनेस करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से किया मोटर्स का डीलरशिप ले सकते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने वाला है और क्या इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट होता है इस बिजनेस में। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले किया मोटर्स कंपनी के बारे में जानते हैं। किया मोटर्स 9 जून 1944 में स्टेब्लिश हुआ था और किया मोटर्स को पहले क्यूंग सुंग प्रिसीजन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। 1952 में क्यूंग सुंग प्रिसीजन इंडस्ट्री ने अपना नाम बदलकर किया इंडस्ट्रीज कर लिया। किया मोटर्स कॉरपोरेशन एक साउथ कोरिया मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल निर्माता है जिसका हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है। यह अपनी पेरेंट कंपनी हुंडई मोटर्स कंपनी के बाद साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता है, जिसने 2019 में 2.8 मिलियन से अधिक कारों की बिक्री की और 4700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। किया मोटर्स जब इंडिया में लॉन्च हुई तब इन्होंने इंडियन मार्केट को अच्छे से रिसर्च किया और पाया कि ज़्यादातर इंडिया में लोग 8 से 12 लाख तक की SUV जैसी गाड़ियां अच्छे फीचर्स और अच्छे डिजाइन के साथ ज़्यादा खरीदते हैं। इसलिए उन्होंने अपना पहला कार किया सेल्टोस, जो कि एक मिनी SUV है, उसे लॉन्च किया, जिसकी पहले ही दिन 6000 से ज़्यादा बुकिंग हुई और अगले 3 महीने में 85,000 बुकिंग हुई, जिससे कि ये इंडिया में सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए सिर्फ 3 साल के अंदर ही इंडिया की टॉप 5 कार कंपनी में काउंट होने लगी। तो दोस्तों, आपने इस कंपनी के बारे में सब कुछ जान लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा खासा रकम होना चाहिए। इसके बाद आपके पास सफिशियंट स्पेस होना चाहिए जिसमें कि आप शोरूम और सर्विस सेंटर ओपन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास लगभग 10,000 से 12,000 स्क्वायर फीट स्पेस की जरूरत होगी। इस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास 15 से 20 स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट, इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ट्रेड लाइसेंस, GST नंबर, ऑल टाइप ऑफ NOC, रेंट या लीज एग्रीमेंट, एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, इस बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा? देखिए, इस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से डीलरशिप मॉडल को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप कौन से सिटी में ओपन करना चाहते हैं, आप कितने बड़े स्पेस में शोरूम को ओपन करना चाहते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लगभग 5 से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा, जिसमें कि आपको इनिशियल स्टॉक 4 से 7 करोड़ का लगेगा, स्पेयर पार्ट्स में आपको 50 लाख लगेगा, ब्रांड डिपॉजिट फी में आपको 20 से 30 लाख रुपए लगेगा, इंटीरियर डेकोरेशन वर्क में आपको 40 से 45 लाख रुपए लगेगा और उसके साथ साथ इनिशियल शोरूम फंड में आपको 1 करोड़ रखना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ और भी मिला जुला खर्च है, तो अप्रोक्स में अगर हम बात करें तो इस बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए लगभग 5 से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपको इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड मार्जिन है उसके काफी ज्यादा सोर्सेस है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आपको पर गाड़ी सेल पे 2 से 4% का प्रॉफिट होने वाला है, उसके बाद गाड़ी के इंश्योरेंस पर आपको 4 से 5% का प्रॉफिट होगा, स्पेयर पार्ट के MRP पर आपको 20 से 25% का प्रॉफिट होगा एंड उसके बाद आपको सर्विसिंग पर 10 से 20% का प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों, ये तो बात था रिक्वायरमेंट्स, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की बात। चलिए अब बात करते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं और फुलफिल करते हैं सारे क्राइटेरिया को, तो आप किया मोटर्स के डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसके डीलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को ओपन करें, उसमें आपको एक जनरल एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा, आप उसे भरकर सबमिट कर दें एंड उसके बाद आपको उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद किया मोटर्स की जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगा और आगे का सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा और उसके बाद आपको गाइड भी करेगा।
दोस्तों उसके साथ साथ आप इस दिए गए नंबर पर भी कॉल करके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके किया मोटर्स के डीलरशिप के रिगार्डिंग आप क्वेरी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि किया मोटर्स डीलरशिप के रिगार्डिंग मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया है तो आप बेशक वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस के रिगार्डिंग वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।